नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं स्टडी टाइम चैनल में। मैंने पिछले पार्ट वन में आपको बताया था कि जो चंद डायनेस्टी है वो कहां से शुरू होती है, कौन इसके संस्थापक थे, उसके बारे में हमने क्लैरिटी देखी थी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि चंद डायनेस्टी में कितने राजा आए थे, उनमें से कौन कौन ग्रेट राजा रहे हैं, क्या क्या वहाँ पे घटनाएं उनके जीवन में घटी हैं। तो एक प्रकार से हम बात करेंगे सोमचंद से लेके त्रिलोक चंद तक के जितने भी राजा बीच में आए हैं, इन दोनों को इंक्लूड करके। तो उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और ये इस विषय का पहला पार्ट होगा। इसका मतलब ये जो जितने भी राजा आएंगे इसको भी मैं दो पार्ट्स में आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स रखे हैं इनके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे सामंतवाद के बारे में हम बात करने वाले हैं, नेपाली राजाओं के बारे में बात करने वाले हैं, उसके बाद में डोटी जो किंगडम है, एक प्रकार से नेपाली राजाओं को ही कहते थे, उन्हीं किंगडम को कहते थे, उनसे कैसे चंद जो है फ्रीडम उन्होंने प्राप्त करी है, उसके बाद दिल्ली सल्तनत के साथ में क्या उनका संबंध रहा, कैसे हुआ, उसके बाद मुगल जो बीच में आए हैं उनके साथ में क्या क्या उनका संबंध रहा है। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, मतलब मुख्य फोकस जो है इन पांच बिंदुओं पे रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोमचंद की। तो सोमचंद जो है एक प्रकार से शिव भगवान का उपासक था, बहुत ही धर्म प्रिय और बहुत ही धार्मिक लोग होते थे उत्तराखंड के, ठीक है। तो शिव भगवान का बहुत बड़ा उपासक था सोमचंद, और उसकी कैपिटल हम जानते हैं कि चंपावत से उसने शुरू करी है, और जिसका नाम उसने चंपावती जो रिवर है, नदी है, उसके ऊपर उसने अपनी कैपिटल का नाम रखा है, ठीक है। तो देखिए उसके टाइम पे जो काली कुमाऊं का जो क्षेत्र, मतलब जो काली नदी का जितना बड़ा जो भी क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, चंपावत के आसपास का जितना भी क्षेत्र है, वहाँ पर बेसिकली खस, नाग, द्रविड़, मेद और चांडाल लोगों की प्रकार से बहुतायत होती थी, मतलब बहुत से ये कैटेगरी में बटे हुए थे। बेसिकली ये पांच कैटेगरियाँ थी, ठीक है। लेकिन था क्या कि ये जितने भी लोग थे इनके भी दो पार्ट हो गए थे, और इन दोनों पार्टों के दो अलग अलग मुखिया थे, ठीक है। तो वो जो दो मुखिया थे, एक का नाम था मेहरा, दूसरा का नाम था फरतियाल। तो ये दो लीडर हो गए इन लोगों के, ठीक है। उसके बाद में देखिए जो सोमचंद जो था बहुत ही समझदार राजा था, उसने अपने राज्य की एक प्रकार से किलेबंदी कर दी, और उसने उसके लिए चार किलेदार नियुक्त करे। कौन कौन थे? देखिए चार जो किलेदार हैं वो ये हैं, कारकी, बोरा, तड़ागी और चौधरी, ठीक है। तो बेसिकली ये जो चार किलेदार जो थे, ये मैक्सिमम जो इनमें से लोग हैं ये नेपाल को बिलोंग करते हैं। तो मतलब जो सोमचंद है उसने अपने राज्य की किलेबंदी शुरू कर दी, और चार किलेदार उसने नियुक्त करे, जिसको हम लोग कहते हैं चाल आल भी कहा जाता है, ठीक है। और बेसिकली ये जो किलेदार जो थे ये किलों में रहना पसंद करते थे, तो बेसिकली इनका जो राज जो था किले के आसपास भी होता था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि सोमचंद की पहली जो विजय हुई किसके ऊपर हुई। तो उसने अपनी पहले विजय प्राप्त करी रावत किंग ऑफ दोनकोट, दोनकोट के राजा थे रावत थे, इन्होंने इनके ऊपर अपनी सबसे पहले विजय प्राप्त करी, मतलब चंद डायनेस्टी बनाने के बाद में, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये जो दो कैटेगरीज थी, मेहरा और फर्तियाल जो लोग थे, ठीक है, इन्होंने इनको सोमचंद ने अपने मिनिस्टरों के बड़े बड़े पदों पर रखा, और ये इनके एक प्रकार से एग्जीक्यूटिव जितनी पावर थी इन दोनों के हाथों में आई, दे वेर वेरी पावरफुल, ठीक है। मतलब जो राज्य का एक प्रकार से रणनीति जो होती थी उसके ऊपर कंट्रोल जो था मेहरा और फर्तियाल लोगों का आया, ठीक है। और सोमचंद जो था बहुत स्मार्ट बंदा था, उसने और भी जो जितने भी लोग जो थे, जो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के जो थे, जैसे विश्वकर्मा हो गए, तमोटा हो गया, बाजदार हो गए, इन लोगों को अपने राज्य के आसपास बसाया ताकि ज़रूरत पड़ने पर इनसे काम लिया जा सके। जैसे विश्वकर्मा जो थे बहुत ही अच्छे कलाकार जो थे, शिल्प कला के नंबर वन बंदे, तो इनको मतलब जो सोमचंद ने इनका इस्तेमाल अच्छे ढंग से किया, ठीक है। उसके बाद देखिए पुलिस सिस्टम और टैक्स कलेक्शन जो है हमने कत्यूरी वंश में देखा था, तो कुछ वहां से अंश जो है सोमचंद ने उठाया, और पुलिस सिस्टम के लिए और टैक्स कलेक्शन के लिए उसने गांवों में बूढ़े और सयाने लोगों की एक प्रकार से अपॉइंटमेंट करी, और ये इनका इस्तेमाल करता था कि हर गांव से यही जो बंदे होते थे, अपॉइंटेड बंदे जो होते थे, बूढ़े और सयाने उनको कहा जाता था उस गांव में, वो पुलिसिंग का काम करते थे और टैक्स कलेक्शन का काम ये किया करते थे, ठीक है। और अब देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको यह बताने वाला हूं कि जो सोमचंद से जितनी भी डायनेस्टी इनकी शुरू होती है ये सब के सब सामंत थे, ठीक है, फ्यूडल लॉर्ड्स थे। किसके अंडर में? डोटी किंग्स। तो डोटी एक प्रकार से नेपाल का ही नाम है,
तो हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ से दास्ता जो थी वो उनकी ऑलरेडी थी, क्योंकि नेपाल का बहुत ही प्रोमिनेंस था कुमाऊं क्षेत्र में, ठीक है। पर्वत डोटी के नाम से वो लोग कुमाऊं क्षेत्र को पूरा कहते थे, नेपाली लोग डोटी लोग। तो डोटी राजा जो थे इनके अंडर में ये कुमाऊं आता था और सामंत लोग यहाँ पर राज करते थे। तो सोमचंद भी एक प्रकार से फ्यूडल लॉर्ड था, सामंत था डोटी किंग का, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं बाकी के राजाओं के बारे में। देखिए सोमचंद के बाद में जो अगला राजा आता है वो है आत्माचंद, जिसने 20 साल तक राज किया, ठीक है। उसके बाद आते हैं पूर्णचंद, जो 1066 से लेकर 1084 तक इन्होंने राज किया। उसके बाद देखिए इंद्रचंद आते हैं। अब देखिए इंद्रचंद का जो समय है थोड़ा सा फेमस है फॉर हिज सिल्क ट्रेड। तो ये एक प्रकार से जो रेशम उत्पादन में इन्होंने बहुत काम किया और अपने राज्य में बाहर से लोगों को इन्होंने बुलाया और उनसे रेशम उत्पादन करवाया। और इसका जो रेशम उत्पादन जो था और इसका जो ट्रेड जो था चाइना तक था, तो जिससे इनके राज्य में बहुत इनकम हुई, श्री वृद्धि हुई और चंद डायनेस्टी जो थी यहाँ से थोड़ी मजबूत होती जाती है। तो इंद्रचंद वॉज फेमस फॉर इज सिल्क ट्रेड, तो पेपर में आ सकता है, प्लीज नोट डाउन, ठीक है। उसके बाद आते हैं संसार चंद आते हैं, फिर आते हैं सुधा चंद, फिर हरी चंद, ठीक है। उसके बाद हैं वीणा चंद। देखिए वीणा चंद थोड़ा एक प्रकार से लेजी राजा था, ठीक है, और विलासिता, भोग विलासिता में ज़्यादा डूबा रहता था। और इसी आलसपन के कारण में उस समय पे जो खस लोग जो थे, खस राजा जो थे, इन्होंने अपना सिर उठाना शुरू किया और चंदों को एक प्रकार से इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त फाइट दी है, ठीक है। तो जो खस जो थे एक प्रकार से ये भी सामंत ही थे, ठीक है। अब मैं खास बात आपको ये बताने वाला हूँ, ये ताम्रलेख जो है कराचल्य देव का 1223 ईस्वी का, ठीक है। तो चंपावत में एक मंदिर है, बालेश्वर मंदिर है, वहां से ही ये कराचल्य देव का 1223 ईस्वी का एक लेख प्राप्त हुआ है, ठीक है। और इसी में ही 10 मांडलिक, मांडलिक का अर्थ होता है सामंत, तो 10 सामंत सामंती राजाओं के नाम यहाँ पर उल्लेखित हैं। तो कह सकते हैं कि जो कराचल्य देव है ये डोटी राजा था, ठीक है। तो इसके अंडर में मतलब जो इसके लेख है उसमें 10 सामंतों के नाम यहाँ पर अंकित किए गए हैं, मांडलिक जिसको कहते थे, ठीक है। अब मैं उन 10 राजाओं के नाम आपको बताने वाला हूँ, जिसमें से आप ये देखेंगे कि कैसे वीणा चंद के टाइम पे चंदों की जो एक प्रकार से प्रोमिनेंस है वो कम होती है और खस लोग कैसे यहाँ पर इनकी टक्कर देते हैं, ठीक है। देखिए नाम जो है इस प्रकार से हैं, दाहड़ मतलब याहड़ देव मांडलिक, ठीक है, मांडलिक मतलब सामंत है, चंद्रदेव मांडलिक हो गए, हरिराज राउत राज हो गए, अनिलादित्य राउत राज हो गए, विनय चंद्र मांडलिक हो गए, विद्याल चंद्र मांडलिक, जय सिंह मांडलिक हो गए, और जीहल देव मांडलिक हो गए, बल्लाल देव मांडलिक, भूस देव मांडलिक, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि जो मैंने आपको 10 नाम बताए हैं इनमें से केवल 3 चंद राजा हैं और बाकी के जो खस यहाँ पर प्रतीत होते हैं। तो चंद 3 हैं और बाकी के खस हैं, मतलब 10 में से 7 खसों की यहाँ पे प्रोमिनेंस होती है। तो कराचल्य देव के टाइम पे मतलब ही वॉज अ डोटी किंग, तो इसके अंडर में जो 10 सामंत जो थे यहाँ पर देख सकते हैं चंद और खस आपस में फाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब वीणा चंद के आसपास तक सिर्फ जो अधिपति जो रहते थे वे ज्यादातर डोडी राज्य के ही होते थे, मतलब नेपाल के ही होते थे, ठीक है। ये क्या करते थे कि कुमाऊं को जीत कर यहाँ पर अपना एक सामंत नियुक्त कर देते थे और उसी से ही अपना यहाँ पर राज करवाते थे, और जो कुमाऊं के जो राजा थे ये डोटी राजा को टैक्स देते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए 1191 में यहाँ पर अशोक चल्ल नाम के जो डोटी राजा है उसी का ही आधिपत्य था, ठीक है। बहुत से लेखों में उसके विजयी अभियानों को दर्शाया गया है और कहीं कहीं लिखा हुआ है कि उसी ने ही खस देश का राज मतलब किया है, मतलब खस देश एक्चुअली जो कुमाऊं और जो गढ़वाल है उसको खस देश ही कहा जाता था, ठीक है। और जब अशोक चल्ल ने यहाँ पर आक्रमण किया था, कुमाऊं क्षेत्र में आक्रमण किया था, तो उसी समय राजा वीरचंद था, ठीक है। अब कुछ और राजाओं के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर वीणा चंद के बारे में बताया, उसके बाद आते हैं वीर चंद आते हैं, उसके बाद नर चंद, थोर चंद। देखिए थोर चंद के बारे में हमने पहले वीडियो में बात करी है कि थोर चंद और सोम चंद में से कौन राजा है, तो थोर चंद का नंबर यहाँ आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए त्रिलोक चंद है, उमर चंद है, फिर धर्म चंद, अभय चंद, करम चंद, उसके बाद है ज्ञान चंद, ठीक है। देखिए ज्ञान
ज्ञानचंद की खास क्वालिटी थी कि ये पहला राजा था जिसने दिल्ली सल्तनत की गुलामी को यहाँ पर स्वीकार किया था, ठीक है। और इसने उसके लिए जो फिरोज शाह तुगलक उस समय राजा थे, इसके कंटेम्परेरी हैं, ठीक है, समकालीन थे ज्ञानचंद के, उनके दरबार में जाकर उनको भेंट दी थी, ठीक है। तो ज्ञानचंद ने 1365 से लेकर 1420 तक यहाँ पर अपना राज किया है, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक ने भी इसको रिटर्न गिफ्ट दिया, जैसे हम कहते हैं बर्थडे में हमको गिफ्ट मिलती है, तो रिटर्न गिफ्ट में फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को तराई भाबर का क्षेत्र दे दिया, ठीक है, और एक प्रकार से उसने उसको गरुड़ की उपाधि भी दी, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ज्ञानचंद था उसके जो ध्वज पताका थी उसमें गरुड़ का चिन्ह होता था और ये गरुड़ेश्वर देव को मानता था, ठीक है। उसके बाद देखिए 1420 से लेके 1433 के मध्य में कितने राजा यहाँ पर आते हैं, ठीक है। हरिचंद आते हैं उनमें, फिर उसके बाद द्वानचंद आते हैं, आत्माचंद हैं, फिर उसके बाद फिर से हरिचंद है, विक्रमचंद आते हैं, धर्मचंद आते हैं, फिर आते हैं भारती चंद 1437 में। तो चंद इतिहास में जो सबसे ग्रेटेस्ट किंग जो हैं, मेरे भी फेवरेट हैं, ये हैं भारती चंद, ठीक है। तो भारती चंद को मैं आपको एक प्रकार से विस्तार से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपने पवाणे सुना होगा, पवाणे एक प्रकार से लोक गाथाएं होती हैं हमारे कुमाऊं में, उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये इतिहास को जानने के लिए, कुमाऊं के इतिहास को जानने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो भारती चंद और एक वीरांगना के बीच में एक फाइट हुई थी, तो वो पवाणों के रूप में हमको सुनने को मिलते हैं, ठीक है। तो भारती चंद बहुत ही ब्रेव, लोकप्रिय, बहादुर राजा थे, ठीक है, लोगों के बीच में ये सर्वप्रिय थे, ठीक है। तो ये क्यों इतने फेमस हैं, क्योंकि ये पहले राजा थे चंद में से जिन्होंने डोटी के राजाओं से दास्ता से बचने के लिए, मतलब दास्ता ख़त्म करने के लिए इन्होंने फाइट करी थी, ठीक है। तो नेपाल के राजाओं से इन्होंने अपनी दास्ता को ख़त्म करने का प्रयास किया था, इसके लिए इन्होंने बहुत बड़ी एक आर्मी भी बनाई थी, ठीक है। इसकी आर्मी में सबसे खास बात यह है कि हर रिलीजन, हर कास्ट के बंदों को इन्होंने अपनी आर्मी में शामिल किया, ठीक है। और बहुत ही स्ट्रेटजी इन्होंने एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी बनाई थी जिसके कारण से चंद को यहाँ पे दास्ता से मुक्ति मिली थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम युद्ध की बात करने वाले हैं, तो किसके बीच में युद्ध हुआ था, तो भारती चंद वर्सेस यक्षमल्ल या फिर जयमल्ल के बीच में ये फाइट हुई थी, ठीक है। देखिए भारती चंद जो थे बहुत ही इंटेलिजेंट बंदे थे, इन्होंने घेरे एक प्रकार से डालने शुरू कर दिए, ठीक है। तो पहला घेरा जो था सोर पिथौरागढ़ को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ का जो मुख्यालय था, यहाँ पर इन्होंने एक बड़ी आर्मी ली और सोर पिथौरागढ़ के मुख्यालय पे इन्होंने घेरा डाला, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो पड़ाव जो है, इन्होंने काली नदी के आसपास जो बड़ालू से लेकर गौड़ीहाट तक के क्षेत्र में यहाँ पर इन्होंने घेरा डाल दिया, ठीक है। अपनी आर्मी जो है इन्होंने इन जगहों पे, जो ये मेन जगह थे उस समय में, ठीक है, वहाँ पर इन्होंने डाला, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि 12 साल तक इन्होंने नेपाल के जो राजा थे उनको कुमाऊं की तरफ आने से रोक दिया, एक प्रकार से 12 साल तक के बीच में कुमाऊं से जो टैक्स जो सिस्टम जो था, टैक्स जो था वो नेपाल को जाना बंद हो गया और उनकी जो स्थिति थी वो चरमरा गई और फाइनली जो है मल्ल राजाओं को अपने घुटने टेकने पड़े। तो इस प्रकार से फाइनल विक्ट्री 1451-52 में भारती चंद ने चंद डायनेस्टी को मिलाई और जो एक प्रकार से दास्ता का जो कलंक जो था उन्होंने चंद डायनेस्टी के ऊपर से हटाया। तो सामंत जो प्रथा थी भारती चंद ने ही समाप्त करी थी और एक प्रकार से संप्रभु, एक प्रकार से ग्रेट किंग बन चुके थे, भारती किंग, ठीक है। उसके बाद देखिए जो अगले राजा आते हैं इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, रत्नचंद हैं, कीर्तिचंद हैं, प्रतापचंद, ताराचंद, माणिकचंद, कल्याणचंद, पूर्णचंद, भीष्मचंद, उसके बाद है बालो कल्याणचंद, ये भी एक प्रकार से बहुत ही फेमस राजा है। किस बात के लिए फेमस थे, इन्होंने ही अपनी जो कैपिटल है वो चंपावत से शिफ्ट करके अल्मोड़ा में करी थी, ठीक है। तो इन्होंने इसके लिए क्या किया कि इन्होंने मणकोटी राज्य को भी चंद राज्य में मिला दिया और यहीं से इन्होंने अपनी राजधानी जो है अल्मोड़ा पहुंचाई। तो इसके लिए इन्होंने क्या कि बहुत से जो लोग जो थे जिनकी संपत्ति जो थी वो चंपावत में थी, उसी का वहीं से उनको सेम उपाधि जो है उन्होंने अल्मोड़ा में भी दिलवाई, इससे लोग जो है बड़ी आसानी से जो है अल्मोड़ा की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो
बालो कल्याण चंद ने ही चंद डायनेस्टी की जो कैपिटल जो है चंपावत से अल्मोड़ा शिफ्ट करी है। ठीक है, उसके बाद में देखिए मैं आपको बताने वाला हूं रुद्रचंद के बारे में। ठीक है, तो रुद्रचंद ही अकबर का समकालीन था। ठीक है, तो ये पहला राजा था जिसने मुगलों की दास्ता स्वीकार कर, मतलब पहला चंद में से जिसने अकबर की दास्ता को स्वीकार किया था 1587 में। ठीक है, और इसी के टाइम पे जो तराई भाबर का जो क्षेत्र जो था चंदों के अंडर में आता था वहां पर हुसैन खान ने अटैक कर लिया और कब्जा कर लिया। ठीक है, और इसकी मदद के लिए अकबर ने अपनी सेना भेजी थी, और लड़ाई के बाद में क्या हुआ कि जो रुद्रचंद है उसने इस क्षेत्र पर अपना कब्जा दोबारा प्राप्त कर लिया, और यहीं पर रुद्रपुर नामक एक नगर बसाया, जो आज रुद्रपुर हम जानते हैं इंडस्ट्रियल एरिया है, तो रुद्रपुर जो है रुद्रचंद के नाम से ही विख्यात है। तो अब क्या हुआ कि भाई इसने गिफ्ट प्रेजेंट करे जिसमें उसने तिब्बती याक दिया, कस्तूरी दिए, हिरणों की खाले जो है अकबर को भेंट करी, फिर अकबर ने भी इसको एक रिटर्न गिफ्ट में 84 माल का परगना एक प्रकार से इसको दे दिया। बहुत बड़ा क्षेत्र जो है अकबर ने इसको गिफ्ट कर दिया, तभी से इसे जमींदार भी कहना प्रारंभ किया गया। तो रुद्रचंद के नाम पे के पीछे हम जमींदार भी लगा सकते हैं, तो पहला राजा था जो अकबर ने इसको ये यहाँ पर उपाधि प्राप्त करी है। ठीक है, और अल्मोड़ा में मल्ला महल जो है उसी ने ही बनवाया था। किसने? रुद्रचंद ने। ठीक है, देखिए रुद्रचंद की खास बात मैं आपको बताने वाला हूं कि इसी ने ही जो चंद डायनेस्टी में एक नई सामाजिक व्यवस्था बनाई थी। ठीक है, इसने इसके लिए एक किताब किताब लिखी है जिसका नाम है धर्म निर्णय। ठीक, तो धर्म निर्णय नाम की पुस्तक इसने लिखवाई है। ठीक है, और इसके अंदर इसने अलग अलग सामाजिक जो लोग हैं उनके काम जो है फिक्स करे हैं, जो इस प्रकार से हैं, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ। ठीक है, इस पुस्तक के अंदर इसने क्या कराया था कि मतलब जो ब्राह्मण के जो गोत्र हैं उनके पारंपरिक संबंधों का इसने अंकन किया है। ठीक है, गढ़वाल के जो सरोड़ा जो ब्राह्मण हैं, मतलब जो रसोइये होते थे, उन्हीं की ही भांति कुमाऊं में भी ऊंचे मतलब चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाई जो परस्पर विवाह कर सकते थे। ठीक है, उसके नीचे क्या किया इसने कि जो पच बीड़िए तिथानी व उसके भी जो नीचे जो हलिए या पितलीय ब्राह्मणों के वर्ग बनाए। ठीक है, उसी के समय में गुरु पुरोहित वैद्य पौराणिक जो सईस मतलब बखरिया राजकोली पहरी बाजदार बजनिया टमटा मतलब ताम्र पत्रों के निर्माता व उत्कीर्णक, ठीक है, आदि के पद इसने निर्धारित किए। ठीक है, तो ऐसे बहुत से काम जो है इसने बनाया। जैसे और एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, घरों में सेवा कार्य के लिए छोड़े या छोड़िया रखवाई। ठीक है, और जो शेष जो समस्त सामान्य जनता का नाम पौड़ी 15 इसने विश्वा रखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बाकी जो लोग ग्रुप बच गए जो बच गए उनके नाम इसने क्या रखे? पौड़ी 15 विश्वा। किसने रखा? रुद्रचंद। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसी प्रकार से नाई कुम्हार दर्जी लोहार आदि जो शिल्पी हैं उसके लिए इसने अनाज के रूप में दस्तूर की व्यवस्था भी करी। तो ऐसे बहुत से काम जो है रुद्रचंद ने बाद में करे, अकबर का कंटेम्परेरी था, और सबसे बड़ी बात इसके पास अपनी खुद की स्वयं की एक ग्रेट आर्मी थी। ठीक है, जो सदा इसके साथ में रहती थी। ठीक है, और इसका रक्षण करती थी।